हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार हुसैन, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है CAN और CPM। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देखें। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब कुरैशी। क्या बोलेंगे 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, आज केजरीवाल ने बोल दिया कि जो मोदी जी हैं वो 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसके लिए आज ये सीए लागू कर रहे हैं। अगर 10 सालों में कुछ विकास करा होता तो सीए लागू नहीं करना होता, ये वापस हिंदू मुसलमान ये चीजें नहीं करनी होती मोदी को। देखिए 10 साल का जो भी काम है मोदी जी का वो सभी को दिख रहा। 1 लाख घरों को बोला तो उन्होंने घर दिलाने के लिए, वो अभी तक हो पाया? किसी का नहीं हो पाया। किसान रोड पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं किस वजह से? अगर सारा काम सही चल रहा होता तो आंदोलन करते? अगर सारा काम ठीक चल रहा होता तो आंदोलन करते? किस चीज का? नहीं करते। आज उनको उनका हक नहीं मिल रहा तो हमें क्या मिलेगा? इस पे क्या बोलेंगे जो सीए लागू करके केजरीवाल बोल रहे हैं मोदी सरकार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, 10 साल में कोई कार्य नहीं किया? देखिए हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, ये एक मुद्दा बना देते हैं इलेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए मुद्दा बना देते हैं। आपस में सारे भाई खड़े हुए, इन्हें मुझसे बैर है किसी को नहीं है, तुम्हें मुझसे बैर है किसी को नहीं होता भाई। बस ये है कि मुद्दा बना दिया है इन लोगों ने लड़ाने के लिए, CANRC लागू करने के लिए, भाई इसको इसका दुश्मन बना दो, उसको उसका दुश्मन बना दो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुमसे मेरा बैर नहीं है, बैर तो पार्टियों से है। जो कांग्रेस लाई थी 2013 में PCTV बिल, उससे बैर है। जो वक्फ बोर्ड लाई उससे बैर है। जो इस्लामिक पर्सनल लॉ लाई उससे बैर है। तुमसे बैर नहीं है भाई, वही तो बात। आप लोग नेता को समझाओ ना या क्या? हाँ तो नेता ही को तो कर रहे हम, तो मैं थोड़ी कर रहे, हम तो नेता ही को हटा रहे। तो मैं थोड़ी सीए जो आया है आज लागू है और इसके बाद जो एनआरसी लाने की बात करी है सरकार, लग रहा है कि मतलब हाँ ये हिंदू मुसलमान और जो 2020 में दिल्ली में दंगे हुए शाहीन बाग एक जो प्रदर्शन हुआ, ये वापस माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव को देखते? माहौल बनाने के लिए कोशिश नहीं की जा रही है, ये आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है मोदी जी द्वारा। मेरी जो राय है, बस मुझे इतना पता है कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनसे हमें कोई खतरा नहीं। अगर सरकार लेकर आ रही है तो कुछ सोच समझ के ला रही होगी, सीधी सी बात है। अब वो जब सोच समझ के ला रहे तो जाहिर सी बात दंगा तो होने नहीं देंगे, और अगर उनके रहते दंगा हुआ तो फिर ऐसे नेता को बैठना बेकार है। 2020 में दंगे हुए, जैसे 2020 में दंगा हुए थे, नेता के रहते हुए भी दंगे हुए थे। अगर उनके रहते फिर से देश में दंगा होता तो अमन और शांति कहाँ पर? कहीं पर नहीं है। क्या बोलेंगे सर आप? ये छोटे भाई ने ये कहा कि ये जो सीए को लेके आए हैं इलेक्शन से पहले दंगा भड़काने, हिंदू मुस्लिम करने के लेके आ गया है, ये एक बहुत ही एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। भैया आप फसाद कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि आपको तो कोई लेना ही देना नहीं है ना। हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू को, किसी भी मुसलमान को, किसी भी सिख को, किसी भी पारसी को, किसी भी जैन बौद्ध को कोई लेना देना नहीं है। ये नागरिकता किसी की लेने का मुद्दा नहीं है। ये जो बेचारे प्रताड़ित हैं, ठीक है ना, वो प्रताड़ित को यहाँ पे, वो क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर सर्वे हिंदू ही इन, 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 भारत ही एक राष्ट्र है जहाँ पे हिंदू आ सकते हैं, ठीक है। तो वो इंसानियत के तौर पे अब पाकिस्तान के अंदर 14-14, 12-12, 13-13 साल लड़की को उठा ले जाते हैं वो लोग और उसका धर्म कन्वर्ट करके उसे शादी कर लेते हैं और उनके घर वाले बोले तो उनको काट देते हैं, उनका मतलब जो है ना, अगर कुछ बोले तो उसको जो है बेअदबी बोल करके उनका क्या किया जाता है पता आपको? क्या पॉपुलेशन थी, मैं डाटा में नहीं जानता सब कुछ, आजकल मीडिया में हवा में घूम रहा डाटा, कितनी पॉपुलेशन 1947 में दूसरे माइनॉरिटीज़ की वहाँ पे था, आज कितनी है, क्यों है? और पाक हिंदुस्तान में माइनॉरिटी 1947 में कितनी थी, आज कहाँ है? लगभग 10% थी, आज 25%, 22%। वो डाटा हवा में है, किसी को ज़्यादा मैं उस डाटा के चक्कर में डालना नहीं चाहता। ये छोटे भाई ये कह रहे हैं कि जो है ना ये CA लेके गए ताकि हिंदू मुसलमान करने के लिए, काय को? जब आपको कोई परेशानी नहीं है भाई, आपकी नागरिकता पर कोई आँच नहीं आनी, तो आप क्यों भड़क रहे हैं? आप बोलिए बहुत बढ़िया भाई, आने दो। इसी बात को तो हम कह रहे हैं, अगर लोग आते हैं सरकार देखकर तो लाएगी। दंगा किस वजह से होता? इलेक्शन के टाइम पर हमेशा दंगा क्यों होता? आपने सोची कभी ये बात? हमेशा दंगा होता है इलेक्शन जितवाने के लिए कि भाई हमें इससे खतरा है, आज ये मेरे साथ खड़े हुए, ये भाई खड़े हैं, वो भाई खड़े हुए, किसी को खतरा है? किसी को खतरा नहीं, ना मुझे इनसे खतरा है, ना मुझसे अभी खतरा नहीं है। पहले खतरा होता था, ठीक है, यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था जहाँ पे हर समय एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना कर्फ्यू होता था, बिल्कुल होता था, ठीक है, बिल्कुल होता था। आप जो है ना CA अभी लागू हुआ, रूल हुआ है यूपी के अंदर, चिड़िया भी ये कह के नहीं उड़ी कि मैं जो है ना CA का विरोध करती हूँ, इंसान की बात दूसरी है। CNRC लागू होने के चांस थे वो भी इलेक्शन के टाइम पर हुए थे, ठीक है। इस साल जो अब दोबारा से NRC आ रहा वगैरह, ये भी इलेक्शन के टाइम पर हो रहा है, लेकिन इसके बीच जो चलता रहा मामला बिल्कुल सेट था ना, कोई दंगा नहीं हुआ था। लेकिन अब कहाँ हुआ?
अब नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं होगा ना, अब होगा ही नहीं। आप अगर होता दंगा, दंगा आना नहीं है, क्योंकि सीए में आपको पता है कि सीए बोल रहे हो इलेक्शन के लिए चाल रची गई है, हिंदू मुसलमान और कहीं ना कहीं टेंशन बढ़े देश के अंदर। देखिए टेंशन वगैरह की मैं बात नहीं करता, लेकिन इतना पता मुझे हमेशा, जब भी मैंने जब से जिंदगी संभाली अपनी, मैंने हमेशा इलेक्शन के टाइम पर ही दंगे होते हुए देखे, और फिलहाल मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है ना किसी सरकार से। एनआरसी लागू होगी, आप उससे खुश होंगे? जो घुसपैठी है यहाँ पर इलीगल आ रखे हैं, जैसे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, घुसपैठी हम उन्हें नहीं कह सकते, अगर वो नागरिकता दे रहे हैं तो कुछ सोच कर दे रहे हैं ना, उनका ये काम। जो सीए आ गए वो जो बाकी के, और जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो म्यांमार से आ रखे, कुछ बांग्लादेशी जो 1971 युद्ध से हैं, उन लोगों को एनआरसी के बाद जो निकाला जाएगा देश से, डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, उससे आप चाहेंगे ये चीज़ें प्रोसेस हो सीए के बाद जो एनआरसी लाने की बात हो रही है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्यों? मतलब यार सीधी सी बात है, कागज दिखानी पड़ेगी। कागज दिखाने वाली बात नहीं है, बहुत सारे प्रूफ है हमारे यहाँ पे जिससे हम साबित कर सकते हैं कि हम यहाँ कर हैं। दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत सिर्फ यह, अगर बाहर के बंदे यहाँ कर रह सकते हैं तो जो इस देश में रह रहे हैं वो क्यों नहीं रह सकते, चाहे वो म्यांमार से यहाँ के क्यों ना रह रहे हो? बिल्कुल। अच्छा रोहिंग्या मुस्लिम ही क्यों ना हो? यार जब बाहर से लेकर आएंगे बंदों को यहाँ पर तो हम भी तो यहीं रहते हैं, हम तो शुरुआत से यहाँ पर है ना, बाहर वाले तो नहीं हम। नहीं उनकी बात हो रही है जो यहाँ पे इलीगल घुसपैठ करके आ रहे हैं, जो घुसपैठ करके आ रहा है उसे सरकार देखेगी भाई, उनके साथ क्या करना है वो क्या करना है। आपको दिक्कत नहीं, ये चीज़ें प्रोसेस होती है? प्रोसेस दिक्कत क्यों नहीं होती भाई यार, दिक्कत सबको होती है, इन्हें भी दिक्कत है हमें भी दिक्कत है, हम अपना काम छोड़कर फिर एनआरसी में जाकर बैठ रहे हैं, बिना बात के लोग बाग अपना काम छोड़कर दंगों में जा रहे हैं, दिक्कत सबको होती है यार, किसे दिक्कत नहीं होती है? क्या बोलेगा? नहीं दंगे क्यों होंगे, पहले सवाल ये पूछता है, ये तो एक चीज़ को बिना दंगे हो जाए, क्यों हो जाएंगे भाई दंगे? एनआरसी में जो इलीगल तरीके से रोहिंग्या वगैरह बांग्लादेशी घुसपैठ किए हैं उनको सरकार उनको पकड़ेगी, उनको वापस उनको भेजेगी जो उसके कंट्री में जहाँ से भी वो आए हैं, तो इनको क्या परेशानी? अगर ये अगर हिंदुस्तानी हैं, अगर इनके बाप दादा वहाँ पे नहीं घुसपैठे हैं तो इनको कोई परेशानी नहीं है, ये हमारे भाई हैं, ये भारत के नागरिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काय का दंगा भाई, किस चीज़ का दंगा? दंगा उसको लगेगा जिसके मन में चोर है, जो बाहर जाने का खतरा, जिनको बाहर जाने का, और बाहर जाने का खतरा किसको है? जो कि घुसपैठिया है, तो वो डिसाइड कर लेगा। तो अगर ये हिंदुस्तान के वारिस हैं, वासी हैं, तो ये तो बल्कि एक है हमारे साथ में, ये बल्कि चिन्हित करे कि हाँ ये आदमी घुसपैठिया है, ये पॉइंट आउट करे, उसको बाहर निकाले देश से। इनके लिए अमित शाह जी ने बोले आज कि ये जो रोहिंग्या मुसलमान और ये जो बांग्लादेशी उस इलीगल तरीके से आके रह रहे हैं देश के अंदर, बोले ये जो 3.5-4 करोड़ आबादी, इनको बाहर निकालेंगे हम लोग एनआरसी लागू करके, और ये जो वहाँ प्रताड़ित हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख जैन बौद्ध जो है उनको नागरिकता देंगे। मतलब आप लग रहा है कि ये प्रोसेस में जो सरकार करने जा रही है इसमें हिंदू मुसलमान भारत के मुसलमानों को टेंशन लेने की या उनको चिंतित होने का कोई ऐसा विषय नहीं है? यार पहली बात तो ये जो बंदे यहाँ रह रहे हैं इन्हें जो देश के बंदे हैं उन्हें देश से बाहर निकाल रहे हैं, और जो बाहर के बंदे उन्हें तुम नागरिकता देने की बात करो, कैसी बात कर रहे हो यार? यहाँ के किसी को निकाल रहे हैं? यहाँ के किसी को निकाल रहे भाई? यहाँ किसके किसको निकाल रहे बताओ? दिखाने की बात यहाँ पर हो रही है तो प्रूफ तो उनसे मंगे ना, जो इलीगल रह रहे हैं आप इलीगल थोड़े ना रह रहे हो, बात जैसे उन्होंने कहा वो तो प्रूफ मेरे से ही मांगे, घर में दूंगा। करने जाओगे आधार कार्ड मांगेगा नहीं मांगेगा, जॉब भी करोगे भाई, सिम कार्ड लोगे पहली बात, मोबाइल लोगे तो तुम्हें हर चीज में प्रूफ मांगते भाई, बस तो जो इलीगल है उन पर प्रूफ नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, तो वो बाहर जाएंगे। तो अगर जो यहाँ के नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो नागरिक नहीं है वो तैयारी कर लें, जो है ना मोटा भाई ने बोल दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर कल के उनको वापस भेजेंगे, और मैं इस बात के हक में हूँ। अभी ये जो विपक्षी है, ये केजरीवाल हो गया या ओवैसी हो गया, ये क्या करते हैं? इनके पास चुनाव जीतने का कोई मुद्दा है नहीं, ये क्या करते हैं? लड़वाओ चमन है ना, लड़वाओ तो ये अफवाह फैला दे, कोई ना कोई भ्रम ऐसा डाल देते हैं। अब उसने अगर तू अगर जो है ना अगर यहाँ का बारिश है तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ में हैं। अब साथ वाली बात है, देखो दिया है कि इतने करोड़ आदमी आ जाएंगे, उतने आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन्होंने अप्लाई किया था, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हुए है ना, उसमें सिख है, जैन है, क्रिश्चन है, हिंदू है, मतलब वे अल्पसंख्यक थे वहाँ पे, जो वहाँ बहुसंख्यक है ये रोहिंग्या वोंग्या, ये जो भी बांग्लादेशी है ये तो बहुसंख्यक है अपने यहाँ पे, तो ये कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं धार्मिकता के आधार पे? जबकि पाकिस्तान में हिंदू तो धार्मिकता के आधार पे प्रताड़ित होता है, 20% आबादी थी, आज 3% आबादी, उसे आज़ादी नहीं है किसी भी चीज़ की, तो वो आके यहाँ से 2014 से जो पहले रह रहा है वो नागरिकता उसे दी जाएगी सीए के तहत। अब ये नहीं है कि कल को आएंगे परसों को 2.5-3 करोड़ आ जाएंगे, ऐसे कहाँ रखेंगे, क्या क्या हिसाब? लास्ट बात रखिए अपने, क्या बोलेंगे, बात सुन लेंगे आप?
देखिए अभी फिलहाल तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, अभी मेरे को टाइम होना जाना काम पर। आपको तो डर नहीं है ना? मुझे किसी बात का डर नहीं है, यहाँ पर हम शुरू से रह रहे हैं, हमारी पैदाइश यहाँ करी, इसी देश में रह रहे। चिंता मत कर, तू अगर यहाँ का, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग नहीं डरते हैं, ना ही डर रहे हैं इस चीज को। लागू हो चाहे सीए लागू, कुछ भी लागू हो, हम नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल भी। जो इलीगल है डर उसे है, ये तो यही कहे ना, क्या डर है? जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, लेकिन अगर तो उनको बांग्लादेशी या रोहिंग्या, उनको पकड़ के बताओ कौन है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, लड़के को तो घेर लिया था भाई भाइयों ने, और ये है कि भाई जो वहाँ का लोकल है उसको तो कोई डर नहीं, और डर तो उसको ही होगा जो भाई साहब इलीगल आया है बाहर से। तो ये वैसे सही भी है कि सच्ची बात, पॉपुलेशन जो है वो बेरोजगार बैठी है, और दूसरा अगर 1-2 करोड़ लोगों को निकाला जाए, इस पॉइंट से अगर आप देख रहे हैं तो आप गलत हैं। किस पॉइंट से? रोजगार के मुद्दे से अगर आप देख रहे हैं तो आप गलत हैं। मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ। अपने नागरिक जो हैं वो भूखे बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है, और हम बाहर से लाएंगे, सिर्फ मुस्लिम नहीं लाएंगे लेकिन लाएंगे, और निकालेंगे किनको? सिर्फ मुस्लिम को। अगर मुद्दा रोजगार है तो जो बाहर से दूसरे आए हुए हैं उनको भी निकालो। ये सिर्फ भाई साहब मजहब को प्रमोट किया जा रहा है इसमें। अमेरिका ने कहा ना, अमेरिका ने रिपोर्ट शाया किया कि ये गलत कर रहा है इंडिया। यहाँ पर एक और बात की गई कि हिंदुओं के लिए सिर्फ हिंदुस्तान ही कंट्री है, नहीं भाई साहब पूरी दुनिया में हिंदू फैले हुए हैं। चलो पाकिस्तान में उनको खतरा सही मान लिया, बांग्लादेश में उनको खतरा, इंग्लैंड में वो है, कनाडा में वो है, अमेरिका में वो है, इटली में वो है, जर्मनी में वो है, फ्रांस में वो है, दुनिया का कोई एक कंट्री मुझे बताओ जहां हिंदू नहीं है भाई। तो ये पाकिस्तान से सिर्फ दिक्कत हो गई कि पूरी दुनिया से जो अगर इसी तरह यूरोपियन कंट्री भी लागू कर दे इसलिए हिंदू भी निकलेंगे, जो छोटे पाकिस्तान के जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले उनको सारों को निकाले, जो हिंदू मेजोरिटी वाले उनको भी निकाले जी। अगर इस तरह पाकिस्तान में इलीगल अपने मुसलमान भाई थे ना अफगानी, उनको निकाला भाई साहब, इलीगल जो भी तो इलीगल मेरे प्यारे भैया सिर्फ मुस्लिम को निकाला जाएगा, इलीगल जो हिंदू है उनको नहीं निकाला जाएगा, इलीगल जो जैन है उनको नहीं निकाला जाएगा, इलीगल जो सिख है उनको नहीं निकाला जाएगा मेरे प्यारे भैया, दिक्कत सिर्फ मुसलमानों से है। अगर रोजगार का मुद्दा है तो सबको निकालो भाई, सिर्फ जो इंडियन है बेसिक से उनको रखो। यहाँ पर समझ नहीं आ रही तुमको? बिल्कुल, यहाँ सिर्फ मजहब को प्रमोट किया जा रहा है मेरी जान। या तो फिर सारी दुनिया से बुला लें हिंदू जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तुम्हें वहां पर भाई दिक्कत है, तुम वापिस अपने घर हिंदुस्तान आ जाओ। ये तो आई बात समझ में नहीं आई अभी तक। ये लोग सिर्फ 3 कंट्रियों के लिए, बांग्लादेश, वही धीरे 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 बढ़ रहे हैं मेरी जान। यकीन माने कहीं ना कहीं ये जो हिंदुस्तान में आज मुसलमान बस रहे हैं, चाहे उनके दादा परदादा से वो वहीं के वारिस हैं, एक दिन आएगा उनके लिए भी तंगियां बहुत बनाई जाएंगी, बहुत ज्यादा छोड़ना पड़ेगा भाई जी। उसकी तरफ ये कदम बढ़ चुका है, अब कोई माने ना माने मेरी बात से आप एग्री भी कर सकते हैं। मुझे ये बता, 25 कम से कम 22 25 करोड़ मुस्लिम है इंडिया के जी, उनको कैसे निकाला जाए? जैसे पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाला गया, वो भी करोड़ों में थे, खत्म हो गए ना भाई है, अब ना कर, कितने करोड़ थे आज भी करोड़ से तो ना रहे, 24% से
एक ग्राउंड से तो आज भी ऊपर है, 14 के 16 के लगभग, लेकिन उसके वो भी तब भी ग्राउंड से आपका जवाब आपको मिल गया। अब आप तकरार करें तो हो गया, आपने कहा कि कैसे निकालेंगे, भाई जिधर मर्जी जाए पाकिस्तानी हिंदू कहाँ गए, पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा, पाकिस्तानी हिंदू करेगा और बांग्लादेश में मरेंगे बेचारे वहीं पर, जैसे गजा वाले मर रहे हैं, मिसर वाले उनको इंटर नहीं होने दे रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे बॉर्डर पर, भी मरेंगे इतना। ये आजकल एक दो चार पाँच दस साल की बात नहीं है भाई, फ्यूचर बता रहा हूँ। फ्यूचर जब ऐसे इंडिया भाई साहब यार धर्म से नीचे भी आ जाएगा, जब तो सारा कंट्री के लिए नुकसान। पहले नंबर तो बात ये इंडिया का जो कन्वर्ट है उसमें पावर है, पॉलिटिशियन जो मर्जी करते रहे। बाकी बात ये कि भाई एनआरसी जो है ना उसमें ये है कि जो जिनके जो नागरिक है ना वहाँ के मुस्लिम जो है उनके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है भाई साहब उसको निकाला जाएगा, तो इस तरह का है कुछ सीन। तो ठीक है भाई अपनी रुकता ही कॉमेंट सेक्शन में, वैसे वो इकट्ठे खड़े हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ये बीजेपी के आने से पहले किसी को कोई दिक्कत थी नहीं, ये कानून तो यही लेकर आ रहे हैं भाई साहब सारे भाई, उनका तो बेवकूफ थी, उनको तो पता ही नहीं था। चलें जी ठीक है भाई अपनी रूट तय का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।